बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3D का प्रश्न क्रमांक संख्या 14 कराने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए, आप वहाँ जाकर देख लेना। क्वेश्चन है हमारे पास ब्रैकेट में k-3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 3y इक्वल्स टू k और यहाँ kx प्लस ky इक्वल्स टू 12। ये देखो, ये आपका, अब इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको व्यापक समीकरण के रूप में रखना पड़ेगा। यानी ये जो k है, ये आपकी k की वैल्यू क्या है, c है। c को आप इधर ले आओ इक्वल के इधर, तो साइन प्लस का है इधर आ गया तो कितना हो गया, माइनस का हो गया। ऐसे इधर प्लस का है 12, इधर आ गया माइनस का हो गया। इसको नाम दे दो समीकरण 1, समीकरण 2। अब व्यापक वर्ग समीकरण के फॉर्मूले के हिसाब से, व्यापक वर्ग समीकरण का फॉर्मूला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको इस वीडियो में नहीं लिखा है बच्चों, इसके पहले के क्वेश्चंस में लिखा है। यहाँ देखो, a1 की वैल्यू है आपके पास k-3, a2 की वैल्यू है देखो k, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k, फिर c1 की वैल्यू है माइनस k और c2 की वैल्यू है 12। आप यहाँ देखो, हमें इसको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका ये आपका समीकरण देखो a1/a2 और b1/b2 से सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है। आपने k की वैल्यू यहाँ लिखी तो कितना हो गया इसके, एक आपको इसमें मैं एक फार्मूला दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप एक फार्मूला देख लो कि फार्मूला होता है कि अगर देखो a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के, तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और नहीं बराबर होगा c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा, मतलब रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर ये देखो तीनों बराबर होंगे तो इसका अनेक हल निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने यही बोला है कि इसका आपका अनेक हल है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, a1/a2 और b1/b2 ये दोनों नंबर ले लिए। a1 की वैल्यू कितनी है, k-3/k और यहाँ पर देखो दोनों में, तीनों में k है, आप किसी भी नंबर को ले लो k की वैल्यू, 2 को ले लो k की वैल्यू निकाल लो, 3/k ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कितना हो गया, देखो ये हो गया आपके पास k और k से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास हो गया, देखो k और ब्रैकेट में लिख दो k-3, इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 3k हो गया। k को k से मल्टीप्लाई करा बच्चों तो k² हो गया, k को 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3k हो गया इक्वल्स टू 3k। अब k की वैल्यू को एक साथ कर लो, इस 3 को k को इधर ले आओ, 3k इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। अब क्या मिल गया आपके पास, आपको मिल गया देखो 3k- और 3k- ऐड हो गया तो कितना हो गया 6k, यानी k² - 6k इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर आपको k की वैल्यू 2 मिली, एक तो देखो k इक्वल्स टू 0 मिला और दूसरा k इक्वल्स टू आपके पास 6 भी मिला। देखो एक ये के देखो k इक्वल्स टू 0, ये देखो दो आपके पास दो नंबर मिल गए आपको, ये पहला मिल गया k इक्वल्स टू 0 और दूसरा k इक्वल्स टू 6। हमें क्या दिखाना था, तो हमें क्या दिखाना है कि b1/b2 और c1/c2 से। अब इस बार देखो इसी को दोबारा b1/b2 और c1/c2 से देख लो। आपकी b1/b2 की वैल्यू है 3/k और c1/c2 की वैल्यू है -k और अपॉन में -12। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k से मल्टीप्लाई हुआ तो k², यहाँ 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 36 आ गया, यहाँ स्क्वायर इधर चला गया तो रूट में हो गया, 36 का रूट हट जाता है तो कितना होता है 6, किसका रूट है 6 का। अब जब रूट का नंबर होता है बच्चों तो उसको हम प्लस में भी मानते हैं और माइनस में भी मानते हैं। तो आप देखो मैंने लिख दिया कि k इक्वल्स टू प्लस का 6 और माइनस का 6, लेकिन अब ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है हमें ये भी दिखाना है, क्योंकि पहले वाले में वैल्यू आपकी k की 0 आई और प्लस 6 आई, दूसरे वाले में फिर देखो प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 6 आ रही है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके आप देखो, हमने क्या देखा कि इसमें वैल्यू रख दी तो k-3 की जगह हमने लिख दिया 6-3/6, यहाँ पर देखो 3/, देखो k की जगह पर 6 लिख दिया और यहाँ पर भी, यहाँ पर आपके पास नंबर था k/12 तो हमने क्या लिख दिया 6/12। अब 6 में से 3 माइनस हुआ तो आपके पास बचा 3/6, कट कर दिया तो 1/2 आ गया, फिर इधर देखो यहाँ 3/6 कट कर दिया तो 1/2 आ गया, यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 और 6 2 यानी 1/2 आ गया ना। जब तीनों वैल्यू बराबर होती है तो क्या होता है, इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैंने आपको देखो यहाँ पर दिखाया था ना,
ये कि ए वन अपॉन ए टू बराबर होगा बी वन अपॉन बी टू के बराबर होगा सी वन अपॉन सी टू के, तो इसके अनेक हल होंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला आपके बुक में पेज नंबर 100 और 101 पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लेना। अब मैं आपको अब देखो बच्चों, यहाँ देखो ये हमारी एक चीज़ और दिखा दो कि यहाँ हमने k की वैल्यू देखो, अगर हम 6 लेते हैं, k की वैल्यू हमें 6 लेनी है क्योंकि देखो तभी ये इसको संतुष्ट करेगा। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आपको। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 आपको कराने जा रही हूँ, 3D का प्रश्नावली 3D का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें ऊपर कुछ लिखा है, आप देख लो, के मानो को ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, अभी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में ऊपर एक फॉर्मूला दिखाया था, तो अगर तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं। देखो कोई हल नहीं कब होता है, जब पहला और दूसरा बराबर हो लेकिन ये तीसरा, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास समीकरण है कि क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, kx+3y=3 और 12x+ky=6, इसको इधर ले आओ व्यापक समीकरण के रूप में, तो आपका ये नंबर प्लस का माइनस का हो गया। नाम दे दो समीकरण एक, समीकरण दो, फॉर्मूला देखो, ये व्यापक समीकरण का फॉर्मूला है। a1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई k, a2 की वैल्यू आप देखो, a2 की वैल्यू हो गई 12, फिर b1 की वैल्यू हो गई देखो 3, b2 की वैल्यू है k, फिर यहाँ देखो दोनों माइनस माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया और 3/6 कट गया तो 1/2 आ गया। अगर आप देखो तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं हो, तो हम यहाँ देखो फॉर्मूला लिख दो, अब यहाँ वैल्यू रख दो। सबसे पहले वैल्यू हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी k/12, यानी ये पहले वाले की, और दूसरी वैल्यू किसकी, देखो इसमें भी k है, दोनों में k है, आप कोई भी लिख दो, 3/k हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो k को का k स्क्वायर हो गया, यहाँ पर देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 36 आ गया। अब यहाँ देखो क्या हो गया आपके पास, 36 यहाँ स्क्वायर हट गया तो 36 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद नंबर प्लस या माइनस में होते हैं, तो ये k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर देखो k की वैल्यू, अब ये क्या तो प्लस में आ सकती है या आपके माइनस में आ सकती है। प्रूफ करने के लिए आप फिर से अब ये b2 से निकाल लो, b1/b2 और c1/c2 से भी निकाल के देख लो। हमने b1 की वैल्यू रखी, b1 की वैल्यू हमारी थी 3/k और c1/c2 की वैल्यू थी देखो 1/2, यहाँ पर देखो ये 1/2 इधर है, k को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, k1 k और इसको 3 2 6। अगर देखो हम प्लस में रख देते हैं, यहाँ पर प्लस में रख देंगे तो नंबर हमारे पास वही नंबर फिर से आ जाएगा, तो यानी हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, प्लस में कैसे बच्चों वही नंबर आ गया, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमने देखो यहाँ पर 6 लिख दिया, इस समीकरण में यहाँ 6 लिख दिया तो देखो 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा ना, तो ये भी यानी 1 1/2 ये भी हो जाएगा, 1/2 ये भी, तो ये हमारे समीकरण को तो सिद्ध नहीं करता। हमें क्या चाहिए, ये दोनों नंबर बराबर ना हो, बराबर ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर -6 ले लें तो यानी ये नंबर हमारा एक नंबर 1/-2 हो जाएगा, तो अतः ये क्या होता है, k बराबर -6 आपके इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ देखो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि 3/-6 हो गया तो कितना हो गया, ये देखो, और बराबर 1/2 कट हो गया तो कितना हो गया, ये आपके पास मिल गया देखो 3 1 3 और 3 2 माइनस, देखो 3 2 6 और माइनस, तो अतः ये हमारे पास क्या हो गया, इसका अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है क्योंकि इसमें a1/a2 और b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।